एन टी वी की स्पेशल ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं उस्मान खालिद मलिक और मेरे साथ हैं मदीहा मसूद। और जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है और WHO से पहले ही पैंडेमिक डिक्लेयर कर चुका है और आज की ताज़ा अपडेट ये है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया है। और इसी हवाले से हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे गेस्ट आमिर काजमी साहब, जिनका ताल्लुक ग्लोबल ग्रुप से है, और हम उनसे पूछेंगे कि उनके ख्याल में इस नेशनल इमरजेंसी को वो कैसे देखते हैं, जिसमें स्मॉल बिजनेसेस से लेकर स्टॉक मार्केट और फाइनेंशियल मार्केट हर एक को एक धचका लगने वाला है। जी काजमी साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। इवन दो इट्स नॉट अ ग्रेट मोमेंट एंड एवरीथिंग, वेरी सैड डे एंड आई डोंट नो हाउ थिंग्स आर गोइंग टू लीड ऑन टू दिस एंड आई विश इट वाज ऑन अ बेटर नोट, बट इट इज व्हाट इट इज, वी हैव टू सी व्हाट्स गोइंग ऑन। काजमी, आप ये बताएं कि अब ये इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई यूनाइटेड स्टेट्स में, तो आप इसे कैसे देखते हैं, इसका इम्पैक्ट क्या होगा इकोनॉमी पर और तमाम बिजनेस पर? आई थिंक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। लाइक स्कूल्स, लास्ट नाइट वी गेट अ कॉल के द स्कूल्स आर क्लोज फॉर 2 वीक्स, दो हफ्ते के लिए बंद हो गए, एक हफ्ते के लिए बंद होना था। तो सेम वे आई हैव गॉट अ फ्यू स्मॉल बिजनेसेस व्हिच डू रिटेल, सो वी गो टू आवर कॉफी शॉप, एवरीबडी इज पैनिकिंग, पीपल आर नॉट देयर, पीपल आर नॉट शोइंग अप। सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी बैड इफेक्ट, और लोगों को डरा कर धमका कर, इवन द रोड्स यू सी ऑन अ फ्राइडे ट्रैफिक वुड बी डिफरेंट, बट ट्रैफिक जो है वो कम हो गई है और इट्स गोइंग इनटू इफेक्ट इन दैट एस्पेक्ट। और जिस तरह से लॉकडाउन की पूरी सिचुएशन हो रही है, और ये भी आपने सुना होगा कि अब जितने भी मार्ट्स और ग्रोसरी स्टोर्स हैं वहाँ पर भी लोगों का बहुत ज़्यादा रश है, और ये लोगों को कहा जा रहा है कि आप स्टॉक कर लें अपनी ग्रोसरी को और सब कुछ, ये आप मार्केट में किस तरह से देखते हैं, क्या ये लॉन्ग रन पर चलने वाला है, यही सिलसिला रहेगा, या फिर इसे कॉप अप किया जा सकता है? इट्स मोर ऑफ पैनिक बाइंग पर से, बट यस, ग्रोसरी स्टोर्स आर आउट ऑफ वाटर, दे आर आउट ऑफ फूड, पीपल आर फाइटिंग टू गेट दैट, and it's becoming a bigger problem, but the increasing production too, but it's going to take time jab tak markets mein hit hoga, and then the employees are not safe anywhere and everywhere because you don't know who could have it when they're getting to, and that's the biggest problem. Kuch symptoms kuch cheez bata kar aaye to phir it would be a different scenario, right? Aur iske sath Vice President Mike Pence, उन्होंने कहा है कि संडे के दिन जो है वो स्क्रीनिंग की जो वेबसाइट है वो लाइव कर दी जाएगी। अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन उनका कहना ये है कि संडे को हो सकता है, पॉसिबल है कि टेस्टिंग के लिए जो स्क्रीनिंग और टेस्टिंग के लिए जो वेबसाइट है वो लाइव कर दी जाए, जिसमें लोगों को फर्दर ये बताया जाएगा कि अगर उनमें सिम्टम्स हैं तो वो कैसे उन्हें खुद से चेक कर सकते हैं, और अगर उन्हें मज़ीद गाइडेंस की ज़रूरत है। इसके साथ ही साथ उन्होंने FDA ने काफ़ी सारी जो मेडिकल कंपनीज हैं अप्रूव की हैं इसी सिलसिले में बहुत ही कम समय के अंदर, क्योंकि 46 स्टेट्स में अब तक कोरोना वायरस फैल चुका है। लेकिन हाउ डू यू सी के गवर्नमेंट के जो स्टेप्स हैं कि सफिशिएंट है या नहीं? इट इज, यू नो, इट इज लाइक आई सेड, इट्स अ बिग पैनिक। एवरीबॉडी, आई हर्ड दिस अ मंथ एंड अ हाफ बैक, मेरा दोस्त है, ही वर्क्स फॉर CDC एंड ही वाज विजिटिंग एंड ही वाज सेइंग दिस इज गोइंग टू बी अ बिग बिग प्रॉब्लम दैट इज कमिंग अप। लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि इट्स गोना हिट दैट हार्ड, एंड व्हेन इट हिट्स एट होम तब बंदे को पता लगता है, यू नो, लाइक आई हैव हर्ड ह्यूस्टन में दे ऑलरेडी 2 केसेस दैट आर आउट देयर एंड पीपल आर मोर एंड मोर प्लेसेस। द कनेडियन प्राइम मिनिस्टर्स वाइफ हैज गॉट इट, टॉम हैंक्स द एक्टर, हिम एंड हिज इवन द स्पोर्ट्स इवेंट, वो सब कुछ कैंसिल हो रहा है। exactly. हर चीज एक के बाद एक बिजनेस इफेक्ट हो रहा है। ओके, अगर इसे नैरो डाउन करें आमिर काजमी, तो आपके पास भी एक पूरा ग्रुप है बिजनेस का, तो आपका बिजनेस किस तरह से इफेक्ट हो रहा है, और फिर अगर ये इफेक्ट होता है, क्योंकि अब ये सारी लॉकडाउन की सिचुएशन भी बन सकती है, तो आपके पास क्या प्लान है? Plan, like I said, everybody is doing panic buying, but the biggest problem is jab aap transport and we are dependent, even being in America, on imports. So jab aapki imports or cargo block ho raha hai, toh there's going to be a big shortage of most of the items, and that's going to be a bigger problem. And the businesses which are going to go bankrupt, wo theek hai, coronavirus ke alawa, they're going to have big issues over there. And that's going to be bigger than the virus itself, because a lot of families, a lot of businesses, people are going to be affected. So I saw on the news from Reuters that Trump has announced already a bailout for smaller businesses. They're going to put in $50 billion and give 3 months tax cuts.
But right now, nobody knows. और ये कितना help करेगा? मतलब it will in the longer run. Yes, it will help. But right now, we don't know when this thing is going to stop or it's going to go even more major. And what's going to happen? Of course, आप government के एक जो relief है इसी पर rely thoro नहीं कर सकते हैं. तो plan B हमेशा businessman के पास होता है. तो आपके पास plan B है कि आप अपने business को operate condition में रखें long run पर? Of course, do to make it happen because so many people. We've got more than 350 employees. Over sirf employee nahi hota, unke families hain, cheeze hain. They are all connected to that. And it's going to be, and we're still a very small company. You know, the other big companies out there who've got thousands of employees. And there's going to be issues. But we'll just have to see and weather the storm. Ke kya hone wala hai. It's a fear of the unknown. Will you be cutting out any number of employees in future? How for, do you see? For right now, no. Because it's still too early to say that, but we have, yes, cut down on 3 of our locations, cut down the hours of people, because we have to see if people are not coming in, what are they, the servers going to serve or do what they have to do? Because if there's not enough customers. I got a call today from Pakistan. One of my friends, he owns about 7 restaurants there. He's like, within the last week, their sales have gone down more than 50%. He's like, it's becoming really tough. They're putting a hand sanitizer on each table. They're doing all the right things that need to be done. But still, people are panicking. And that is out there. And when you have panic, there's a problem. You look at the stock market. The markets have gone down. Oil has gone down. Everybody is in a state of panic, a state of shock right now. ओके आमिर ये बताइए कि हर तरफ यही बात हो रही है ओके गवर्नमेंट ने अपना रोल प्ले किया वो रिलीफ की तरफ भी जा रहे हैं बिजनेस प्लान्स भी बता रहे हैं लेकिन आपको नहीं लगता इस वायरस को रोकने के लिए कोई भी इसको इसके तोड़ की तरफ नहीं जा रहा है इसको इस मतलब इस ये वायरस है इसके लिए कोई मेडिसिन या इसके तोड़ के लिए कोई चीज़ बनाने के लिए कोई लेबॉरटरीज लैब्स इसके ऊपर बात नहीं कर रहा कोई भी यू एब्सोल्युटली राइट एंड आई बिलीव फ्रॉम व्हाट आई हियर कि चाइना ने जहाँ से ये शुरू हुआ है अब कंट्रोल कर लिया और उनके towards less amount of people hote ja rahe so we should learn from that ke quarantine agar jagah kar lo somebody was quoting me I'm not a big muslim scholar but somebody was telling me hazur pak sallallahu alaihi wasallam ke time mein isi tarah ek chote shehar mein there was some kind of rat virus or something and they said ke wahan se koi nikle na bhai and everything should be confined or quarantined so that it stays there and it can be cured there once you leave That's when it gets around, and that's been the biggest problem Perfect. Over here. और अगर ये crisis prolong करता है, ज़्यादा देर तक जाता है, तो government पे rely के अलावा और क्या sources हो सकते हैं? Like जैसे कि business को थोड़ा सा short कर लिया जाए और फिर employees को थोड़ा सा मतलब खत्म कर दिया जाए उनकी भी services को. Allah ना करे that you know something like that happens, but if it does happen, that's what everybody will have to go to. You cannot keep a store open if there's not a customer coming in. Obviously they're going to shut down, and especially the smaller businesses. They're going to get hurt a lot because they're relying on their day-to-day customers coming in. If you don't have that, that's going to be a big, big क्योंकि problem. ये question इसलिए मेरे दिमाग में है क्योंकि आपको knowledge में होगा कि rodeo show जो हो रहा था उससे sudden बंद कर दिया गया just because of this virus और फिर बहुत सारे लोगों का vendors का loss हुआ even they were crying कि उनके साथ कितना बड़ा loss हो गया at that time कोई भी इतना realize नहीं कर रहा था कि इतनी crucial situation हो सकती है लेकिन आज की update के बाद definitely इस thought को ignore नहीं किया जा सकता बिल्कुल बिल्कुल it was more than from what I hear more than $1 billion just spent on the rodeo itne log uske sath connected the and these are vendors who wait a whole year just preparing this doing this and it's a major disaster especially in Texas that's one of the biggest shows that they have over here for that matter in US it's counted as one of the top shows where people get together and things and people are going to hurt businessmen are going to hurt then it'll be a trickle down effect all the way from the top to the bottom when that's going to happen people lose buying power there'll be you'll see a lot of bankruptcies you'll see a lot of small businesses going out of business because they're dependent on their daily sales they have to make their rents they have to do things okay ye jo hamari daily usage ki jo cheeze hain inki shortage bhi ho rahi hai ड्यू टू कोरोना वायरस लाइक पहले पानी थोड़ा शॉर्ट हुआ ऑन एंड ऑफ डिफरेंट सोर्स से ये रिपोर्ट आती है कि अब पानी का स्टॉक एंड है फिर उसके बाद हमने देखा टॉयलेट पेपर्स जो हैं वो बिल्कुल ही एंड हो गए हैं वो बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं और फिर उसके बाद हैंड सैनिटाइजर जो कि बिल्कुल असेंशियल है घर पर ही रहना बिल्कुल ठीक है या फिर इन प्रिकॉशंस के साथ भी हम बाहर जा सकते हैं
देखिए इवेंचुअली बंदे यू हैव टू गो आउट यू हैव टू डू थिंग्स बट इट इज बेटर राइट नाउ फ्रॉम व्हाट एवरीबॉडी इज सेइंग टू स्टे कन्फाइंड टू स्टे एट होम बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स अ टच इट्स अ फ्लू दैट इज ऑलवेज बीन देयर एंड यस दिस इज अ लिटिल हाइप फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड फॉर द लिटिल किड्स किड्स अंडर 5 years ओल्ड और पीपल हु आर ओवर 65 इट्स योर इम्यून सिस्टम So precautionary measures are very important from what I was hearing. You know, you have to drink water, you have to take other precautionary measures that can be taken for that. And what do you think, what border policies should US apply? Because President Donald Trump is saying that there are very strict policies and that's why he can't enter from many border locations from coronavirus, which could increase. अगर तो बॉर्डर्स फ्लेक्सिबल होते जिस पर उन्होंने एक दफा अपनी फिर पॉलिसी को जरा यू नो उन्होंने चेंज किया मतलब बॉर्डर क्लोज करना उनका कहना है कि बिल्कुल ठीक है इज इट राइट लाइक आई सेड क्वारंटाइन यू नो यू हैव टू क्वारंटाइन योरसेल्फ यस ऑफ कोर्स यूएस इज वन ऑफ द बिग कंट्री तो उसके बॉर्डर्स बंद करने जरूरी है बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच इज बीइंग कैरीड ऑन एंड इज बिगर डिजास्टर देन मैनकाइंड हैज सीन I don't think there's something been this of this massive level. कि इतनी तेजी से इतने मुल्कों में you look at Italy, you look at Pakistan, look at China, America, everywhere it is being hundreds countries हैं जहाँ से report हुआ yes and it is being affected. There's nothing that has gone so fast anywhere in the world and the world has never seen this. तो we just Allah Taala खैर करे कि you know something. Goes towards the right things, but it is going to be a very, very big problem. So you have seen one of the reasons were कि जिस तरह ये coronavirus जो फैला है, is through travel, travel by air. तो जिस तरह अभी कुछ countries हैं, जिस तरह Italy है, कुछ और countries हैं, उन्होंने travel ban completely shut down कर दिया है, lockdown है उनकी countries में. आपको लगता है कि US में भी ये होगा? You know, you never know, but I think eventually they will have to do that. Jo maine suna hai ki flights from Europe have been cancelled and they've stopped all that because ye quarantine karna bahut zaruri hai. If it is not done, then we'll have bigger problems. I even heard that they were going to quarantine just Houston, Houston being the fourth largest city in the US. And usko bhi wo band karne ka soch rahe hai ki somehow logon ko confine kiya jaye. ओके आप ये बताइए कि आप जैसे कि आज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जब ब्रीफ कर रहे थे उन्होंने बताया कि बहुत सी जो मेडिकल कंपनीज हैं उनकी कोलैबोरेशन से अब लोगों को हेल्प आउट किया जाएगा फर्स्ट टाइम ऐसा किया जा रहा है कि ड्राइव थ्रू के जरिए भी आप जाकर अपने सिम्टम्स बता सकते हैं वहाँ से मेडिसिन और फिर क्योर की चीज़ें ले सकते हैं हाउ डू यू सी दिस आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टेप बिकॉज इफ यू वेट टू गो टू द डॉक्टर्स आर स्केयर्ड पीपल आर गोइंग थ्रू दिस बिकॉज इन दिस कंट्री बगैर प्रिस्क्रिप्शन के आप कोई चीज़ नहीं ले सकते बट इफ दे आर कमिंग अप विद दिस आइडिया इट्स अ एक्सीलेंट प्रिकॉशनरी मेजर फॉर पीपल एंड इट विल बी प्रोवाइडेड राइट अवे ओके आमिर लास्ट क्वेश्चन फॉर यू जैसे कि आपका बिजनेस ग्रुप है व्हाट आर यू प्लानिंग कि आप अपने एम्प्लॉयज को भी जब अगर खुदा ना खासा सिचुएशन क्रूशल हो जाती है तो क्या आप उनको एडवाइस करेंगे कि वो ऑफिस से कंटिन्यू करें या फिर अपने घरों से बैठकर भी काम देख सकते हैं नो डेफिनेटली हम ये इनकरेज करेंगे द पीपल हु कैन वर्क फ्रॉम होम एंड दे डोंट हैव टू कम टू वर्क दे शुड नॉट सो दैट देयर इज लेस कॉन्टैक्ट बिटवीन अदर पीपल एंड बिटवीन थिंग्स बिकॉज दैट्स व्हाट्स मोर इम्पॉर्टेंट बाकी जो रिटेल आउटलेट्स हैं वहाँ पर लोगों को ये कह रहे हैं यू नो गिवन देम फ्री सैनिटाइजर्स इवन दो दे आर बिकमिंग वेरी एक्सपेंसिव राइट नाउ आई वाज वाचिंग द न्यूज़ यस्टरडे सम गाइस गॉट इट अप मोर देन 500% 1000% दे आर सेलिंग दैट बट देयर इज अ बिग शॉर्टेज ऑफ दैट तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स लें तो और ख्याल करें अपना भी दूसरे का भी एंड द पीपल हु आर कमिंग इन Perfect. That's a really awesome advice from Amir Kazmi कि किस तरह से उन्होंने ये एडवाइस किया है आप लोगों के लिए Houstonians के लिए स्पेशली कुछ बताना चाहें कि उनको एडवाइस करना चाहें पर्टिकुलर क्योंकि ये कहा जा रहा है कि डिफरेंट स्टेट्स में 100 या 500 लोगों की गैदरिंग इससे भी मना किया जा रहा है और Houston का कल्चर है डाइन आउट करना बाहर घूमना फिरना तो आप लोगों को क्या एडवाइस करेंगे कि अभी वो इस चीज़ को सीरियस लें और घरों तक ही रहें और स्पेशली स्मॉल बिजनेस ओनर्स को भी Yeah, right now it is at that position ke yes and no that it is going to be there. Lekin logon ko yehi advice hai what they're saying. Less contact,
I was at a get together yesterday and nobody was shaking hands, even at the mosque today. Namaz ke baad unhone kaha ke, you know, instead of shaking hands, you just, you know, with the fist and things, try not to touch buttons. Humne apne elevators mein laga diye, apni buildings mein. You try not to touch us. So small precautionary measures will get us over there. Okay. Thank you very much, Amir Kazmi sahab. मेरे साथ थे आमिर काजमी और मदिया मसूद और हम बात कर रहे थे नेशनल एमरजेंसी पर और इसी के साथ ही थैंक यू वेरी मच फॉर और बिल्कुल जैसा कि आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है और बताया जा रहा है कि 1,25,000 से ज्यादा इसके जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं पैंडेमिक ये ऑलरेडी ही डिक्लेयर हो चुका है और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने आज के रोज इसे नेशनल इमरजेंसी भी डिक्लेयर किया है इसके बाद सिचुएशन क्रूशल होती जा रही है लेकिन आप सब लोगों के लिए हमारी तरफ से एडवाइस यही है कि अपने हाथों को धोते रहिए और सोशल गैदरिंग में जाने से अवॉइड कीजिए थैंक यू वेरी मच